वेलकम बैक केमिस्ट्री नंबर वन। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक है डीएनए की आणविक संरचना, वाटसन एवं क्रिक का मॉडल। तो आज हम देखेंगे इसमें टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज देखेंगे इसको कैसे हम एग्ज़ाम पॉइंट में लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिखने हैं आज हम देख लेते हैं, बुक में देख लेते हैं, गाइड में जो दिए होते हैं स्टूडेंट अक्सर इसी गाइड से रट के जाते हैं। तो हम आज को आप इसको समझा देते हैं ताकि आपको याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में बेस्ट करके आ जाए। तो इसमें क्या है, फर्स्ट है डीएनए की आणविक संरचना को स्पष्ट करने के लिए वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसे डीएनए मॉडल कहते हैं। इस कार्य के लिए वाटसन और क्रिक को नोबल पुरस्कार 1962 में दिया गया था। डीएनए मॉडल की प्रमुख विशेषता आप देख लेते हैं पॉइंट वाइज क्या क्या है। डीएनए के प्रत्येक अणु में दो स्टैंड होते हैं जो कि एक दूसरे के चारों ओर लिपटकर द्वि कुंडली संरचना डबल हेलिक्स का संरचना का निर्माण करते हैं। सेकंड पॉइंट है, प्रत्येक डीएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो श्रृंखला होती है जो कि अनब्रांच्ड होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना होती है जैसे कि एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब है ना, वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मोनोन्यूक्लियोटाइड भी होता है, आगे हम बताएंगे आपको। थर्ड पॉइंट है, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला प्रति सम एंटी पैरेलल होता है, अतः एक श्रृंखला 3 सिरा दूसरी श्रृंखला 5 सिरा से के पास होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के एक छोर पर शर्करा का तृतीय कार्बन स्वतंत्र रहता है, इसे 3' छोर कहते हैं, और दूसरे स्टैंड पर 5 वह कार्बन स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, अतः इसे 5' छोर या एंड कहते हैं। डीएनए में जो स्ट्रक्चर होता है ये 5', 2" हम आपको स्ट्रक्चर में बताएंगे। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो चलिए स्ट्रक्चर से आपको बता देते हैं थोड़ा बहुत। तो ये आपके लिए ये दो डबल हेलिक्स है, ये एक हेलिक्स है जो कि डीएनए संरचना है, और ये दूसरा हेलिक्स है। पहला हेलिक्स है 3 छोर से 5 छोर तक जाता है, और दूसरा है 5 से 3 एंड होता है। इसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियोटाइड होता है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये दो न्यूक्लियोटाइड है, ए टी, सी जी, जी सी, ये सब है न्यूक्लियोटाइड है जो कि आपस में किससे जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सी जी देख लीजिए, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें बेस पेयर होता है, इसमें बेस पेयर होता है जो कि न्यूक्लियोटाइड स्टैंड से जुड़े होते हैं। और ये SP जो शुगर फॉस्फेट होते हैं, ये आपस में डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं। फॉस्फेट डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ये शुगर है जो कि एक स्ट्रैंड बनाता है। फॉस्फेट और शुगर के बीच एक श्रृंखला बनती है जिसे स्ट्रैंड कहते हैं। इसमें मेजर ग्रुप 22 एंगस्ट्रॉम का होता है, मिनर ग्रुप 12 एंगस्ट्रॉम का होता है, और इस डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका वन कंप्लीट टर्म, एक कंप्लीट ऐसे टर्म जो कि होता है 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, और ये शुगर दो पॉलीपेप्टाइड के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट है, न्यूक्लियोटाइड सीढ़ी नुमा डंडों के रूप में श्रृंखला के मध्य व्यवस्थित होते हैं, जो कि ए टी जी सी हमने बताया वो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जो SP जो फॉस्फेट और शुगर का बीच का जो बॉन्ड होता है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। सातवां देख लेते हैं, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ युग्मन करता है। स्ट्रक्चर में आपको दिखाया होगा एडिनिन, ये देखिए जी, ये एडिनिन है जो कि थाइमिन के साथ हमेशा जुड़ा होता है, और जो ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ा होता है, जो कि ये साइटोसिन है और ये ग्वानिन है, देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, साइटोसिन है और ग्वानिन है जो कि एमिनो ग्रुप से जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एन और एन एच के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। देख लीजिए कैसे जुड़ते हैं, प्रत्येक जीव जाति के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक निश्चित क्रम होता है, ए टी जी सी अनुपात प्रत्येक जाति के लिए स्थिर होता है। देख लीजिए, ए डबल बॉन्ड टी से जुड़ा है और जी ट्रिपल बॉन्ड जी सी से जुड़ा होता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है, डीएनए की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बनी एक कुंडली हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, जो कि हमने बताया था एक हेलिक्स होता है जो कि
एक राउंड बनाता है उसमें 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए की एक पूर्ण कुंडली में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होते हैं। ए और टी जुड़ा है और जी और सी जुड़ा है, उसके बीच की दूरी हम बता सकते हैं 3 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए की प्रत्येक कुंडली का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, हमने बताया था ऊपर में जो 20 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है, हम एक बार और को आपको स्ट्रक्चर से समझाएंगे। डीएनए की श्रृंखला एक दूसरे के संपूरक होते हैं एंड कंप्लीमेंट्री होते हैं। यदि इसकी एक श्रृंखला का क्षारक क्रम ए जी ए टी जी ए है तो दूसरी श्रृंखला का क्षारक क्रम पैलिंड्रोमिक क्रम जिसे बोलते हैं टी सी टी ए सी जी होगा। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रत्येक डीएनए श्रृंखला में दो बाह्य खांचे होते हैं जिसे एक्सटर्नल ग्रू और मेजर ग्रू कहते हैं, मिनर ग्रू कहते हैं। मेजर ग्रू चौड़ा एवं गहरा होता है। तो एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे होता है स्ट्रक्चर। ये जो कि व्यास है 20 एंगस्ट्रॉम होता है, इसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं मिनर ग्रू और मेजर ग्रू जो कि 12 एंगस्ट्रॉम और 22 एंगस्ट्रॉम होता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की दूरी होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम और ये एक कुंडली के लिए कंप्लीट टर्म के लिए 34 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें बेस पेयर जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, शुगर फॉस्फेट बैक बॉन्ड होते हैं, इसमें 5' और 3' होता है। तो ये वॉटसन और क्रिक का मॉडल है डीएनए मॉडल, जो कि बहुत ही सरल शब्दों में बुक में दिया है। आप 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।